और एक चुने हुए मुख्यमंत्री को आतंकवादी कहा गया और कपिल मिश्रा कह रहा था इंडिया वर्सेज पाकिस्तान है, क्या ये कोई मैच हो रहा था? अगर गृह मंत्री कह रहे हैं इतनी जोर से बटन दबाओ क्रांति शाहीन बाग तक जाए, अगर गृह मंत्री ने बोलना ही था तो ये कहते कि इतनी जोर से बटन दबाओ क्रांति आम आदमी पार्टी को लगे, क्रांति कांग्रेस को लगे, ये शाहीन बाग का क्या मतलब हुआ? तो ये इन्होंने कानून बनाया है। और अरविंद केजरीवाल को कह रहे हैं आप वहां शाहीन बाग क्यों नहीं गए? भाई कानून तो आपने बनाया है, विरोध आपके कानून का हो रहा है, तो हमारा क्या उसमें लेना देना? पुलिस तो हमारे पास भी नहीं है ना। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, एक ही रंग के पत्थर है पूरे इलाके में, एक ही रंग की गुलेल है। बाहर से गुंडे लाए गए, उनको एक स्कूल में ठहराया गया, उनके खाने पीने का प्रबंध किया गया और वो रात को आते थे काम करके अपना फिर सुबह चले जाते थे। ये स्पॉन्सर दंगे हैं क्योंकि इनको दंगे करवाने आते हैं। इनके पास तजर्बा है गुजरात का, इनके पास तजर्बा है मुजफ्फराबाद का, इसके इनके पास तजर्बा है, ये दंगे करवाते हैं। वो एक 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 मैं और बोलूंगा, कोई बात नहीं, बोलते रहो तुम, मुझे कोई परवाह नहीं, बोलते रहो तुम। हाँ, देखो अभी तक गृह मंत्री वहां नहीं गए, योगी जी मुख्यमंत्री, एक चुना हुआ मुख्यमंत्री यूपी के योगी जी यहाँ पे आके कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल आतंकवादी है। अध्यक्ष महोदय मुझे ये बता दीजिए, क्या कोई आतंकवादी स्कूल बनाता है? क्या कोई आतंकवादी मोहल्ला क्लिनिक खुलवाता है? आधा मिनट सर। और क्या कोई आतंकवादी किसी फौजी जवान की शहादत पर और जब किसी दिल्ली के पुलिस वाले की ड्यूटी दौरान शहादत के बाद 1 करोड़ रुपए का चेक लेके जाता है? तो दिल्ली वालों ने बता दिया इलेक्शन में कि अरविंद केजरीवाल आतंकवादी नहीं, उनका बेटा है, उनका भाई है। और मैं कंपनसेशन की बात करता हूं सर, 10 लाख रुपया दिल्ली गवर्नमेंट उनको दे रही है जिनके मौत हो गई, और 5 लाख रुपए पर फ्लोर जिनके घर जल गए। अगर 4 फ्लोर का घर है तो 20 लाख मिलेगा, किराएदार को भी 1 लाख रुपया उसके सामान का मिलेगा, 2.5 लाख रुपया जो पार्शली घर जले उनका मिलेगा। आज दोपहर तक महोदय 6 करोड़ रुपया हम मुआवजे के रूप में बांट चुके हैं। मैं यही कहूंगा आखिर में कि लंबे सफर को मीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए, एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए।